हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर फर्स्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करा जा सकता है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी कहाँ डिफाइंड है और क्या ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के जनरल रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हम इस पूरे सब्जेक्ट को समझेंगे। सो लेट्स बिगिन द लेक्चर। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जहाँ विल, इनहेरिटेंस, विल इनहेरिटेंस नहीं लगता है वहाँ पे प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी तो वो गवर्न होता है बाय ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो काफ़ी पुराना है ये एक्ट। और अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का डेफिनेशन, तो सेक्शन 5 में डिफाइंड है जहाँ पे एक लिविंग पर्सन दूसरे लिविंग पर्सन को प्रॉपर्टी कन्वे करता है अपने लाइफ टाइम में और उस प्रॉपर्टी का जो पूरे रूल्स होते हैं वो गवर्न होता है इस एक्ट से। तो लिविंग पर्सन कन्वेज प्रॉपर्टी टू अनदर लिविंग पर्सन। और टू हिमसेल्फ, यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए है, उसको ट्रांसफ़र करना है अपना एक प्रॉपर्टी, अपना एक हाउस है उसका, और वो हाउस उसको बी को ट्रांसफ़र करना है। अब यहाँ पे कंडीशन ये है, ए हैज़ टू बी लिविंग एंड बी ऑल्सो हैज़ टू बी लिविंग। जनरल कंडीशन यहाँ पे इसका यही है। और ये जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है, ये हो सकता है ए जो है वो अपने आप को भी ट्रांसफ़र कर सकता है वो प्रॉपर्टी। अपने आप को कैसे करेगा प्रॉपर्टी, हम अगर अपनी, फॉर एग्जांपल अगर ए है, ए ने प्रॉपर्टी अपने आप को ट्रांसफ़र करनी है, तो वो किसी ट्रस्ट के थ्रू या कंपनी के थ्रू वो खुद को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकता है। फॉर एग्जांपल ए एंड कंपनी, तो ए ट्रांसफ़र कर सकता है प्रॉपर्टी ए एंड कंपनी। इसीलिए यहाँ पे सेक्शन 5 में जो वर्ड यूज़ है वो है लिविंग पर्सन। तो इट इज़ अ कन्वेयंस ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम वन लिविंग पर्सन टू अनदर लिविंग पर्सन। और ये प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए, दिस प्रॉपर्टी मस्ट बी प्रॉपर्टी मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस। यानी कि अगर एक हाउस, हम एग्जाम्पल यहाँ पे हाउस का ले रहे हैं, तो अगर एक हाउस है और उसका ट्रांसफ़र ए को बी को करना है, ए जो है वो उस हाउस का ट्रांसफ़र बी को करेगा, तो वो प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो प्रॉपर्टी अभी बनी ही नहीं है और ए बी को ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी कर रहा है। तो अगर हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं कि अगर फ्यूचर प्रॉपर्टी की बात करें तो ट्रांसफ़र ऑफ फ्यूचर प्रॉपर्टी, ट्रांसफ़र ऑफ फ्यूचर प्रॉपर्टी इज़ वॉइड। तो फिर से हम इसका डेफिनेशन देखेंगे। इसका डेफिनेशन कहता है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स एन एक्ट, सो इट इज़ एन एक्ट ऑफ वन पर्सन बाय विच अ लिविंग पर्सन कन्वेज प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे बात प्रॉपर्टी की हो रही है, ये बात यहाँ पे मूवेबल इमूवेबल नहीं है। इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर टू वन और मोर अदर लिविंग पर्सन्स और टू हिमसेल्फ एंड वन और मोर अदर लिविंग पर्सन्स एंड टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी इज टू परफॉर्म सच एक्ट।
तो मैंने आपको बताया कि प्रॉपर्टी लिविंग पर्सन दूसरे लिविंग पर्सन को ट्रांसफ़र करता है और वो अपने आप को भी ट्रांसफ़र कर सकता है. फॉर एग्जांपल ए जो है वो ए एन कंपनी को ट्रांसफ़र कर सकता है. इसके साथ में ज़रूरी नहीं है ए जो है वो बी को ट्रांसफ़र करे, वो बी सी डी. यहाँ पे जो वर्ड है वो वन और मोर लिविंग पर्सन्स हैं. तो अगर बी सी डी को भी ट्रांसफ़र करना है तो पहले हम एग्जाम्पल लेंगे. अगर ए को ट्रांसफ़र करना है तो ए एक ए विल ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी टू बी, इट विल बी सिंपल. लेकिन अगर सी और डी को भी करना है तो ऐसा भी हो सकता है ए ट्रांसफर्स प्रॉपर्टी टू बी फॉर लाइफ टाइम एंड टू सी सी देयर आफ्टर टू सी एंड अल्टीमेटली टू डी. तो ऐसा भी हो सकता है कि इस तरीके से ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के रूल्स इस तरीके से गवर्न हो और इस तरीके से प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र हो. तो यहाँ पे जो हम इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल लेंगे ये आगे जाके हम देखेंगे, आगे के सेक्शंस में वो हम पढ़ेंगे डिटेल में उसको कि किस किस तरीके से प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र हो सकता है. लेकिन अगर हम बात करें ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी की, तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट फेवर करता है कि प्रॉपर्टी हमेशा ट्रांसफ़र हो और एक्यूमुलेट ना हो. यानी लॉ फेवर करता है कि प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र होते रहें और प्रॉपर्टी एक लोगों के हाथ में ना रहे. तो इसकी एग्जाम्पल्स हम धीमे धीमे जानेंगे कि किस तरीके से लॉ फेवर करता है इसको. बट ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का पूरा क्रक्स यही है कि लॉ फेवर करता है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो. इस डेफिनेशन का एनालिसिस अगर हम देखें तो यहाँ पे अच्छा, जहाँ पे लिविंग पर्सन यूज़ हुआ है तो लिविंग पर्सन का मतलब ये है कि कोई बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकती है, इट कैन बी अ कंपनी एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स. ठीक है, और यहाँ पे कोई भी जो लॉ है जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी पे एप्लीकेबल है उसमें कंपनीज एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स का लॉ लग जाएगा. तो उसको अफेक्ट नहीं उसको अफेक्ट नहीं होगा और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी हो सकती है किसी भी कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट, इंडिविजुअल्स या एसोसिएशन ऑफ कंपनी. अगर हम इस डेफिनेशन को एनालाइज करें तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है, जब आपको लग रहा होगा कि ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी है, ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी है तो आपको लग रहा होगा ए ओनर है. इन न्यूमरस केसेस यस ए माइट बी ओनर, लेकिन ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ये कंपलसरी नहीं रखता है. ज़रूरी नहीं है ए ओनर हो सकता है ए जो हो वो एजेंट हो सकता है, एजेंट ऑफ ओनर हो सकता है. तो ज़रूरी नहीं है जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है वो ओनर हो, वो कोई दूसरा पर्सन भी हो सकता है. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, प्रीलिमिनरी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेदर ओनली ओनर कैन ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी और नॉट, समथिंग लाइक दिस कैन बी आस्क्ड. तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर. इसके अलावा अगर हम बात करें मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू 100 रुपये से कम होती है तो उसका ट्रांसफ़र हो सकता है डिलीवरी ऑफ पजेशन से ही, रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है. तो जब हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के हम देखेंगे ट्रांसफ़र्स, तो उसमें हम देखेंगे कि कुछ प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन और अटेस्टेशन ज़रूरी होते हैं, कुछ का सिर्फ रजिस्ट्रेशन से काम हो जाता है, रजिस्ट्रेशन एंड सिग्नेचर से काम हो जाता है. तो दैट वी विल एनालाइज. तो यहाँ पे एक फंडामेंटल रूल ये है कि अगर मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी 100 रुपये से कम की है तो ट्रांसफ़र डिलीवरी ऑफ पजेशन से भी हो जाएगा. अब अगर हम बात करें सेक्शन 5 की, तो ये परमिट करता है कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट हो और इन फ्यूचर हो. ठीक है, तो प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ फ्यूचर प्रॉपर्टी इज़ वॉइड. लेकिन प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है. इसका एग्जाम्पल हम लेके चलेंगे, अगर ए ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी कर रहा है टू बी फॉर लाइफ देन टू सी, द ट्रांसफ़र टू बी इज़ इन प्रेजेंट एंड टू सी इन फ्यूचर. तो हमने आपको बताया कि लिविंग पर्सन यहाँ पे ए जो है वो ज़रूरी नहीं है किसी एक लिविंग पर्सन, ए जो है ए कौन हो गया, ट्रांसफ़रर हो गया. सो वी विल राइट इट लाइक दिस, A is transferer, B is transferee. तो पहला रूल ये है कि ट्रांसफरर नीड नॉट बी ओनर. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ट्रांसफ़र ओनर हो सकता है वो एक ऑथराइज एजेंट हो, तब भी उसको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट परमिशन देता है कि वो प्रॉपर्टी को
बेच सकते हैं या फिर उसको गिफ्ट कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, उसको प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ट्रांसफर बेसिकली हो क्या रहा है, एक पर्सन, एक लिविंग पर्सन के पास से दूसरे लिविंग पर्सन के पास में प्रॉपर्टी जा रही है। तो यहाँ पर ट्रांसफरर ज़रूरी नहीं है ओनर हो। फिर ये ज़रूरी नहीं हो कि ट्रांसफरी सिर्फ एक हो, मतलब ये लिविंग पर्सन है, ये लिविंग पर्सन ट्रांसफरर हो गया और ये लिविंग पर्सन हो गए ट्रांसफरी। तो ट्रांसफरर तो एक हो गया लेकिन ट्रांसफरी लिविंग पर्सन जो है ये कई हो सकते हैं, यानी ट्रांसफरी हो सकते हैं बी सी भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे बी एंड सी, यहाँ पे हम देखेंगे एग्जाम्पल हम लेके चलेंगे कि ट्रांसफरी हो गए हमारे बी एंड सी, तो दो लोग भी हो सकते हैं, तो ये दोनों लिविंग पर्सन भी ट्रांसफर हो सकते हैं। अब बात हो रही है ट्रांसफर कैन बी इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर, अब यहाँ पे कंफ्यूज होने की बात नहीं है। प्रॉपर्टी जिसका ट्रांसफर हो रहा है वो तो आज की डेट में प्रेजेंट होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि 2022 चल रहा है और ये प्रॉपर्टी बनी ही नहीं है, ये प्रॉपर्टी बनेगी 2024, तो ऐसा ट्रांसफर वॉइड है, मतलब ट्रांसफर ऑफ फ्यूचर प्रॉपर्टी इज वॉइड। लेकिन ट्रांसफर कैन टेक इफेक्ट इन फ्यूचर, मतलब प्रॉपर्टी तो आज की डेट में है, प्रॉपर्टी प्रेजेंट टाइम में है 2022 में है, लेकिन ट्रांसफरर जो ए है वो ऐसे प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर रहा है कि वो पहले बी को जाए फॉर लाइफ एंड देन टू सी। तो यहाँ पे सी को जब जाएगा, सी को आज तो जा नहीं रहा है, आज की डेट में ये ट्रांसफर जा रहा है बी को, आज की डेट में ये बी का ट्रांसफर हो रही है प्रॉपर्टी, सी को आज की डेट में नहीं जा रही है। तो यानी कि ट्रांसफर कैन बी इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। ये जैसे जैसे हम इसके आगे के प्रोविजन पढ़ते रहेंगे वैसे वैसे क्लैरिटीज की और भी क्लियर हो जाएगी। अब बात करते हैं ट्रांसफर के काइंड्स की। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में मेजर जो फाइव टाइप के ट्रांसफर हैं, दैट इज सेल, मॉर्गेज, गिफ्ट, एक्सचेंज चार्ज। यहां पे चार्ज को हम एग्जैक्टली ट्रांसफर नहीं मानेंगे, लीज। तो ये मेजरली फाइव काइंड्स हैं, फाइव काइंड्स ऑफ ट्रांसफर। उसके अलावा एक और है एक्शनेबल क्लेम, एक्शनेबल क्लेम। तो इसको ना मूवेबल, ना मूवेबल माना है ना इमूवेबल माना है। तो एक्शनेबल क्लेम की बात अगर हम करें तो इट इज नाइदर मूवेबल नॉर इमूवेबल। तो किसी क्लेम जो आपका है उसको ट्रांसफर करना इज एक्शनेबल क्लेम, और इसको हम, इसका डिटेल में डिस्कशन हम बाद में करेंगे। उसी तरह से सेल, मॉर्गेज, गिफ्ट, एक्सचेंज और लीज में हम देख रहे हैं ये सारा प्रॉपर्टी, सेल जो है, मॉर्गेज है, गिफ्ट है, एक्सचेंज है, लीज है, ये सारे जो प्रॉपर्टी हैं ये इसमें सब कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी है। सेल इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मॉर्गेज इमूवेबल प्रॉपर्टी है, गिफ्ट मूवेबल हो सकती है, मेजरली यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी है, एक्सचेंज मूवेबल हो सकता है, देन लीज इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये जो पांच काइंड्स ऑफ ट्रांसफर हैं इसमें मेजरली इमूवेबल प्रॉपर्टी हैं, लेकिन दो प्रॉपर्टी हैं, दो टाइप का ट्रांसफर है यानी कि गिफ्ट और एक्सचेंज, गिफ्ट और एक्सचेंज जो कि मूवेबल का भी हो सकता है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि वो प्रॉपर्टी जो कि इमूवेबल नहीं है,
और इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि हम बताते हैं कि जो वो प्रॉपर्टी जो थिंग्स अटैच टू द अर्थ है, वो प्रॉपर्टी जिसके बेनिफिट्स मिल सकते हैं, एंड वो प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी कहलाती है विच इज़ परमानेंटली फिक्स्ड. तो थिंग्स अटैच टू द अर्थ, इट इज़ परमानेंटली फिक्स्ड. तो यहाँ पे जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इसका डेफिनेशन, इसको भी हम जब हम ये डिस्कस करेंगे तब डिस्कस करेंगे. तो इसका डेफिनेशन जनरल क्लॉजेज एक्ट में है, इसका हमें अभी नहीं पढ़ना है. अभी जो हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज व्हाट प्रॉपर्टी मे बी ट्रांसफर्ड. तो व्हाट प्रॉपर्टी मे बी ट्रांसफर्ड, इससे पहले थोड़ा सा हम ग्लिम्स ले लेते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में नहीं आती है. तो सेल, मॉर्गेज, लीज, गिफ्ट, एक्सचेंज, हमने देखा है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में आती है. अगर उन ट्रांजेक्शन की बात करें जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में नहीं आती, तो वो चार्ज, विल, ईजमेंट, कॉम्प्रोमाइज, फैमिली एग्रीमेंट, सरेंडर. तो ये सब कुछ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में नहीं आता. विल, मैंने आपको विल इनहेरिटेंस से जो होता है वो मैंने पहले ही आपको बताया था. किसी फैमिली अरेंजमेंट में, जैसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कोई प्रॉपर्टी बट रही है, तो वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में नहीं आता. कॉम्प्रोमाइज़ के थ्रू, कोर्ट ने कॉम्प्रोमाइज़ के थ्रू प्रॉपर्टी दी है, वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में नहीं आता. चार्ज जो अगर कोर्ट की तरफ से हुआ तो भी वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में नहीं आता. अगेन पार्टीशन भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में नहीं आता. तो ये सब कुछ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में नहीं आता. अब हम कौन सी प्रॉपर्टी जिनको एक्चुअली में ट्रांसफर करा जा सकता है, तो एक जनरल रूल मैंने आपको बताया था कि लॉ फेवर करता है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो और डिसफेवर करता है कि वो टाई अप हो. तो इसका एक मैक्सिम है, एलिनेशन रे प्रिफर्टोर ज्यूरी एक्रिसेंडी. यानी कि लॉ फेवर्स एलिनेशन. एलिनेशन मीन्स जब प्रॉपर्टी को किसी दूसरे को ट्रांसफर किया जाता है. तो लॉ फेवर करता है कि प्रॉपर्टी का सेल, एक्सचेंज या मॉर्गेज हो. एलिनेशन हो यानी प्रॉपर्टी को दूसरे में ओनरशिप जाए, रादर देन एक्यूमुलेशन. एक ही इंसान के पास प्रॉपर्टी रहेगी, तो आप एक जनरल बात मानिए कि वो प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ रिपेयर नहीं होगा, वो प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू डिके हो जाएगी. तो लॉ फेवर करता है कि एक इंसान के पास से दूसरे इंसान के पास में प्रॉपर्टी का एलिनेशन होता रहे और एक्यूमुलेशन ना हो. तो जब भी कोई ऐसा पावर दिया जाता है ओनर को, ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, कि वो अपनी प्रॉपर्टी को एलिनेट ना करे, तो वो डिसफेवर करता है लॉ. यानी कि अगर एक ओनर है, तो यानी हमने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में जाना है, ओनर भी कर सकता है, रजिस्टर्ड एजेंट भी कर सकता है, प्रॉपर्टी कोई भी ट्रांसफर कर सकता है. तो यानी अगर ए प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है, तो वो ऐसा कोई राइट जो कि इंटरफेयर करे कि वो अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकता है, तो वो गलत होगा. तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का अगर हम एग्जाम्पल लेना है, तो हम ये ले सकते हैं कि जब हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं मार्केट से, तो हम ये देखते हैं कि हमें उसका क्या, 5 साल बाद, 10 साल बाद उसका हमें क्या, हम सेल करेंगे, या उसको अगर हम मॉर्गेज भी करते हैं, तो उसका हमें कितना कितना उससे हमें प्रॉफिट होगा, क्या मिलेगा. तो ये इसीलिए लॉ फेवर करता है एलिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी, ताकि लोग प्रॉपर्टी को टाई अप ना करें, प्रॉपर्टी को बेचें अपनी. तो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिविल लेजिस्लेशन है, और इसीलिए यहाँ पे हम इसके सारे प्रोविजंस को, कि लॉ फेवर करता है कि ट्रांसफरेबिलिटी, उसी एंगल से पढ़ेंगे. वरना फिर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इससे इजी भी लगता है और इंटरेस्टिंग भी लगता है. अदरवाइज ये फिर समझने में प्रोविजंस थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है. तो सेक्शन 6 सबसे पहले हम पढ़ेंगे, व्हाट प्रॉपर्टी मे बी ट्रांसफर्ड. तो कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है जो जब जब जबकि वो जो लॉ ने ना करी हो, एक्सेप्ट जो कि लॉ ने मना ना करी हो. तो कौन सी प्रॉपर्टी को लॉ मना करता है, तो यहाँ पे बताया है सेक्शन 6 के सबसेक्शन A में, ट्रांसफर ऑफ स्पेसेशनीज. तो क्या है ये ट्रांसफर ऑफ स्पेसेशनीज, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल की स्पेसेशनीज की, स्पेस
इसका मतलब ये है कि एक एक पर्सन है, ओनर है प्रॉपर्टी के, ठीक है। अब इनका बेटा है बी। अब बी को लग रहा है कि आफ्टर एज डेथ ये प्रॉपर्टी बी की हो जाएगी, तो बी इज थिंकिंग लाइक दैट। तो बी यहाँ पे प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है, तो बी इज़ नॉट अलाउड टू ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी। तो बी को परमिशन नहीं है कि वो प्रॉपर्टी का इस तरीके से ट्रांसफर कर दे। इसका हम एग्जाम्पल इस तरीके से लग सकते हैं, एक फैमिली है, उसमें एक फादर है एफ और सन है एस, और एफ जो है ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी है, और ये ओनरशिप उनके पास उनकी लाइफ टाइम तक रहेगी। ये एग्जाम्पल जो मैंने दिया है उसी को और इलेबोरेट कर रहे हैं। और इनके बेटे के अलावा कोई वो प्रॉपर्टी इनके कंसेंट से सेल नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे अगर एफ की डेथ होती है इंटरस्टेट, यानी वो बिना विल बनाए अगर उनकी डेथ होती है, तो एस को प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि एस जो है वो हायर अपेरेंट है, एस इज हायर अपेरेंट, मतलब वो हायर, वो एक अपेरेंट हायर है, अभी के लिए वो हायर नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी ए की डेथ नहीं हुई है। मान लीजिए यहाँ पे ए जो है फादर से पहले, ऐसा भी तो हो सकता है कि सन की डेथ हो जाए, इसीलिए वो हायर नहीं है, हायर अपेरेंट है, दिखते हुए हायर है पर वो हायर अपेरेंट है। तो ये सक्सेशन जो, ये जो प्रॉपर्टी होगी ये सिर्फ एक चांस है, ज़रूरी नहीं है कि ये प्रॉपर्टी का बेचने का अधिकार या फिर उसको और किसी तरीके से ट्रांसफ़र करने का अधिकार इनके पास आए। इसके रीजंस ये हैं कि एफ ओनर प्रॉपर्टी के हैं और अभी एफ जिंदा हैं, तो एफ जो हैं, एफ या एफ अगर जिंदा हैं वो हैं ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, तो वो उस प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं। क्योंकि जब इंटरस्टेट सक्सेशन, कब सक्सेशन कब होता है, जब किसी पर्सन की डेथ होती है तब उनके हायर्स को, उनके बच्चों को प्रॉपर्टी मिलती है। लेकिन अगर जो ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी हैं वो हो सकता है अपनी लाइफ में ही उस प्रॉपर्टी को सेल कर दें, ये तो परमिशन सबको होती है कि आप अगर ओनर हैं तो आप उस प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं, जब तक कि वो ज्वाइंट, जब तक कि वो ज्वाइंट प्रॉपर्टी नहीं है, ज्वाइंट फैमिली की प्रॉपर्टी नहीं है, और वो अपनी तरह से डिस्पोज ऑफ कर दें। तो इस तरीके से ये भी पॉसिबल है कि वो एफ हो सकता है वो उस प्रॉपर्टी के लिए विल बना दें। अगर वो प्रॉपर्टी विल में किसी स्ट्रेंजर के नाम कर दें तब भी एस को कुछ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए एस चाहे तो एस का इंटरेस्ट इस, एस है स्पेसक्शनीज, एस अ हायर अपरेंट है, तो इसीलिए एस जो है वो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, यानी सन जो है वो ऐसे इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते जिसके कि वो खुद ही उनके पास इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ एक स्पेसक्शनीज है, हायर अपरेंट है। तो एस अपनी ड्यूरिंग लाइफ टाइम में फादर के, उनके बिना कंसेंट के अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो वो वॉइड होगा। और केस है ऑफिशियल असाइनी मद्रास वर्सेस संपत नायडू। यहाँ पे कोर्ट ने ऑब्जर्व करा है कि अगर मॉर्गेज हायर अपरेंट ने करा है तो वो वॉइड होगा, और ये कहा है कि ट्रांसफ़र ऑफ स्पेस सक्सेशन इज़ वॉइड अब एन इश्यू। तो स्पेस सक्सेशन मतलब सक्सेशन का पहले से ही, अभी सक्सेशन नहीं हुआ है लेकिन पहले से ही जो एक अंदाज़ा होता है, इट इज़ वॉइड अब एन इश्यू। इसके और अगर इलस्ट्रेशन हम लेंगे तो यहाँ पे देखते हैं कि ए जो है, ए इज़ अ हिंदू एंड ही लीव्स अ विडो बी एंड ब्रदर सी। तो यहाँ पे सी जो है ये सिर्फ स्पेस सक्सेशनीज हैं, क्योंकि इनका सक्सेशन दो चीज़ों पर डिपेंडेंट है, कि पहले तो वो विडो को सर्वाइव करें और दूसरा बी जो है वो अपनी लाइफ टाइम में उस प्रॉपर्टी को सेल या मॉर्गेज या गिफ्ट ना करें, गिफ्ट ना करें या सेल ना करें, क्योंकि मॉर्गेज करा है तब भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो सकती है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको मॉर्गेज वाला धीमे धीमे समझ में आएगा जब हम डिस्कशंस करेंगे प्रोविजंस पे। अब अगर दूसरा एग्जांपल लें तो यहाँ पे ए हैज़ एक्सपेक्टेड दैट सी हिज आंट हैज़ नो इश्यूज, और वो पूरा एंड शी वुड बिक्विथ हर हाउस वर्थ ₹25,000, ट्रांसफ़र इट टू बी। तो ये ट्रांसफ़र भी इनवैलिड हो जाएगा क्योंकि
सिर्फ आप प्रज्यूम नहीं कर सकते कि उनके कोई बच्चे नहीं है तो वो प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं चांस ऑफ लेगेसी की, ये भी 6A में दिया है। चांस ऑफ लेगेसी इसकी और भी ज़्यादा रिमोट पॉसिबिलिटी है, जैसे कि स्पेस सेक्शनीज की होती हैं उससे भी ज़्यादा रिमोट पॉसिबिलिटी है। तो अगर हम बात करें कि एक पर्सन की जो है रिवर्सनर, तो रिवर्सनर रिवर्सनर वो होता है जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, फ्रॉम बी टू अपनी प्रॉपर्टी को, रिवर्सनर जो होता है जो कि अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करता है और फिर जो उसमें राइट, अगर वो उस अगर वो दूसरे पर्सन को राइट नहीं जाता है तो वो प्रॉपर्टी वापस उसको आती है, तो दैट पर्सन इज़ अ रिवर्सनर। तो रिवर्सनर को हम ये कह सकते हैं कि अगर ए बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है, और इसका हम एक डिटेल एग्जाम्पल लेके तब हमें समझ में आएगा बहुत अच्छे से। अगर ए जो है वो बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है, तो बी को ये कर रहा है फॉर लाइफ टाइम और उसके बाद कर रहा है सी को, तो हमने पढ़ा है कि दोनों ट्रांसफरी दो भी हो सकते हैं, बी भी हो गया सी भी हो गया, दोनों को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है, तो बी को तो पूरे लाइफ टाइम के लिए हो रही है, उसके बाद हो रही है सी को। तो फॉर एग्जाम्पल सी की डेथ पहले ही हो जाती है तो ये प्रॉपर्टी रिवर्ट होके आएगी ए के पास। तो ये इस कंडीशन पर डिपेंडेंट है कि सी की डेथ हो जाती है, अगर नहीं होती है तब फिर प्रॉपर्टी उसी तरीके से डिवॉल्व होगी जैसा कि ए ने सोचा है। तो चांस ऑफ अ लेगेसी ये भी एक रिमोट पॉसिबिलिटी है, और इसके वजह से भी हम नहीं कह सकते कि प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र हो सकती है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, ए और बी ये दो भाई हैं और इनकी जॉइंट फैमिली है। अब ए की डेथ होती है तो ही लीव्स बिहाइंड अ विडो डब्लू, और उनका इंटरेस्ट जो जॉइंट फैमिली में है वो डब्लू ने लिया है, और बी जो है वो है रिवर्सनर, तो बी जो दूसरे भाई हैं वो रिवर्सनर हैं। तो अब यहाँ पे बी का जो चांस है प्रॉपर्टी का वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी रिमोट पॉसिबिलिटी। अगर हम और पॉसिबिलिटीज़ की बात करें, अदर पॉसिबिलिटीज़ ऑफ अ लाइक नेचर, तो यहाँ पे ये भी एक होप और एक्सपेक्टेशन पर डिपेंडेंट है, जैसे कि हायर एपरेंट या स्पेस सक्सनीज एक होप कर रहे थे कि जब उनकी फादर की डेथ हो जाएगी तो वो प्रॉपर्टी इनको मिलेगी, हो सकता है फादर अपने लाइफ टाइम में ही प्रॉपर्टी को सेल कर दे, तो ये भी एक रिमोट पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे अदर पॉसिबिलिटीज़ ये इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ है, जैसे सपोज कोई ये सोच रहा है कि वो एक लॉटरी जीत जाएगा या किसी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया है उसको जीत जाएगा, तो उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। तो अदर पॉसिबिलिटीज़ ऑफ अ लाइक नेचर इसका भी रोल बहुत है, तो यहाँ पे इसको हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, ये भी सेक्शन 6A में आता है। तो यहाँ पे एक केस है सोलोमन वर्सेस ऑफिशियल असाइनी, तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर कोई ऐसा चांस है जिससे कि कोई ग्रेटिटस पेमेंट मिलना है एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ एम्प्लॉयर, तो उसको ट्रांसफ़र नहीं करा जा सकता है। तो अदर पॉसिबिलिटीज़ ऑफ अ लाइक नेचर को बोला गया है इट इज़ अ नेक्स्ट कास्ट इन द फिशरमैन्स नेट, यानी कि अगर कोई फिशरमैन है उसके नेट में मछली आएगी कि नहीं तो ये एक पॉसिबिलिटी है, हो सकता है ना आए, तो उस इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र नहीं करा जा सकता है जब तक कि एक्चुअल में वो प्रॉपर्टी आपके पास ना हो, यानी कि फिशरमैन नेट के पास में अभी कोई फिश नहीं है तो उसकी पॉसिबिलिटी नेक्स्ट पॉसिबिलिटी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो इट इज़ जस्ट एग्जाम्पल। यहाँ पे हम अब आएंगे सेक्शन 6B। तो सेक्शन 6A एक बार हम रीड कर लेते हैं, व्हाट डज सेक्शन 6A सेज, व्हाट प्रॉपर्टी मे बी ट्रांसफर्ड, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड मे बी ट्रांसफर्ड, किसी भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करा जा सकता है एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट और बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो यहाँ पे क्लॉज ए में दिया है चांस ऑफ एन हायर एपरेंट सक्सीडिंग टू एन स्टेट, तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता चुकी हूँ, द रिलेशन ऑफ द चांस ऑफ अ रिलेशन ऑब्टेनिंग अ लेगेसी ऑन द डेथ ऑफ अ किन्समैन, द चांस ऑफ अ लेगेसी रिवर्सनर का राइट वो आपको बता चुके हैं कि अगर एक ही प्रॉपर्टी है और उनकी एक विडो है और फिर ब्रदर हैं तो ब्रदर का इंटरेस्ट हो गया चांस ऑफ अ लेगेसी, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो उनको वो राइट मिले, और उस राइट को पहले से ही किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते जबकि उनके पास वो राइट ही नहीं है। तो सिंपल अगर कोई प्रॉपर्टी है
उसके पास आपका राइट होना चाहिए। प्रॉपर्टी के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप ओनर हो सकता है आप एक ऑथराइज एजेंट हो, लेकिन अगर आप एजेंट भी हैं तो आपके पास राइट होता है। लेकिन अगर चांस ऑफ हायर अपरेंट की बात है या फिर चांस ऑफ अ लेगेसी ऑप्टेनिंग लेगेसी की बात है या किसी प्राइज कॉम्पिटिशन में विनर होने की बात है, तो ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, इसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। अब हम आगे की कंडीशंस देखेंगे। नेक्स्ट कंडीशन इसमें है सेक्शन 6B, राइट ऑफ री एंट्री। तो ये जनरली लीजेज में होता है। अगर ए एक ओनर है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया कि सेल, लीज, गिफ्ट, मॉर्गेज, एक्सचेंज। तो लीज़, अगर लीज़ करी जा रही है प्रॉपर्टी की, ए बी के नाम पे लीज़ कर रहा है, तो वो एक कंडीशन कभी कभी रखते हैं कि जैसे कि अगर ये इनकी टर्म्स एंड कंडीशन वॉयलेट हुई तो ये वापस आ जाएंगे और लीज़ जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं राइट ऑफ री एंट्री। तो राइट ऑफ री एंट्री में अगर हम बात करें तो सिर्फ अ मेयर राइट ऑफ री एंट्री, इसको ट्रांसफ़र नहीं करा जा सकता। यानी आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ आपका जो राइट ऑफ री एंट्री है वो किसी कंडीशन के ब्रीच होने पे आ जाएगा, तो इसको ट्रांसफ़र नहीं करा जा सकता है। लेकिन ये ओनर के नाम पे करा भी जा अगर इसका एक्सेप्शन है ओनर, तो ओनर कर सकता है। तो यहाँ पे अगर बात है राइट ऑफ री एंट्री की, तो इट इज़ अ राइट टू रिज्यूम पोजेशन ऑफ लैंड। तो किसी भी प्रॉपर्टी का अगर हम लीज करा रहे हैं, अगर आपने उस प्रॉपर्टी में कंडीशन है कि इस प्रॉपर्टी पे आप कंस्ट्रक्शन नहीं कराएंगे और आपने कंस्ट्रक्शन करा लिया, तो ओनर के पास राइट रहता है टू रिज्यूम पोजेशन ऑफ लैंड। और ये राइट वो किसी और को, अगर उसने किसी और को दिया है फॉर सर्टेन टाइम, तो इस राइट को ट्रांसफ़र नहीं करा जा सकता। तो अ मेयर राइट, सो मतलब जो ओनर का राइट है, इसको हम इस एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेयर राइट ऑफ री एंट्री सेक्शन 6B। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ पे ए जो है ये है लेसर, यानी कि ये लीज, ये अपना हाउस रेंट पे दे रहे हैं, और बी जो है वो है लेसी, यानी ये हो गया टेनेंट। ठीक है, अब क्या होता है, एक प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का लीज एग्रीमेंट हो गया। ठीक है, ये हो गया लीज एग्रीमेंट। इसमें लिखा है कि आपको प्रॉपर्टी 11 मंथ्स के लिए दी जा रही है, लेकिन आप इस प्रॉपर्टी में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कराएंगे। तो यहाँ पे अगर कंस्ट्रक्शन करा लिया जाए, तो लेसर ने कहा है ही विल हैव अ राइट टू रिज्यूम पोजेशन, यानी कि ही हैज़ अ राइट टू री एंट्री। तो इनका है राइट ऑफ री एंट्री, ए का राइट हो गया राइट ऑफ री एंट्री। तो ये जो राइट ऑफ री एंट्री की बात हो रही है, ये ऐसा नहीं हो सकता सिर्फ किसी प्रॉपर्टी पे एंटर करने के राइट को ट्रांसफ़र करा लिया जाए, उसका ट्रांसफ़र हो सकता है। तो यहाँ पे सेक्शन 6B बस इतना कहता है, अ मेयर राइट ऑफ री एंट्री कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। तो इसको ट्रांसफ़र नहीं कराया जा सकता। सो दिस इज वेरी सिंपल। अब यहां में हम इलस्ट्रेशन देखेंगे। इसमें पहला इलस्ट्रेशन है, ए ने लीज ग्रांट करी है बी को फॉर 5 years, और इसमें कंडीशन ये रखी है कि बी जो है वो टैंक नहीं डिक करेंगे किसी लैंड पे, और बी जो है वो टैंक डिक करवा देते हैं। तो ए अगर सी को अपना मेयर राइट ऑफ री एंट्री दे रहे हैं, तो इट इज़ द ट्रांसफ़र इज इनवैलिड। उसी तरीके से दूसरा इलस्ट्रेशन है, ए ने प्रॉपर्टी लीज पे दी है, एक प्लॉट दिया है बी को फॉर 5 years, और बाद में ए ट्रांसफ़र करते हैं राइट ऑफ री एंट्री टू सी एट द एक्सपायरी ऑफ 5 years। तो ये 5 साल के बाद करते हैं, तो इसीलिए ट्रांसफ़र वैलिड है एट द एक्सपायरी ऑफ लीज। तो यहाँ पे राइट ऑफ री एंट्री इज ट्रांसफर्ड अलॉन्ग विद द लैंड टू सी। तो दिस इज इसी एग्जाम्पल में जो इलस्ट्रेशन एक दिया है, इसी से हम आगे समझते हैं कि ए ने बी को एक हाउस दिया लीज पे, तो ए हो गए लेसर, बी हो गए लेसी। यहाँ पे अगर कंस्ट्रक्शन हो जाता है प्रॉपर्टी का, तो ए के पास आ जाएगा राइट ऑफ री एंट्री,
तो सेक्शन 6 भी तो यही कहता है कि मेयर राइट ऑफ री एंट्री ए चाहे तो सी को नहीं ट्रांसफर कर सकता जब प्रॉपर्टी लीज पे है. लेकिन मान लेते हैं कि प्रॉपर्टी का लीज 11 मंथ्स के लिए है, ठीक है, उस 11 मंथ्स के बाद में ए जो है वो सी को प्रॉपर्टी भी दे रहा है और साथ में ही प्रॉपर्टी प्लस, प्रॉपर्टी तो दे ही रहा है प्लस राइट ऑफ री एंट्री, तो दिस इज परमिसिबल. तो प्रॉपर्टी के साथ में हम राइट ऑफ री एंट्री दे रहे हैं तो दिस इज परमिसिबल, बट मेयर राइट ऑफ री एंट्री जबकि लीज चल रही है उस समय दिस इज नॉट अलाउड अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. सो दिस इज लॉजिकल ऑल्सो. अब हम बात करेंगे सेक्शन 6C जिसमें ईजमेंट के बारे में है. अगर ईजमेंट की बात करें तो ईजमेंट बिना डोमिनेंट हेरिटेज के ट्रांसफर नहीं हो सकती है. तो ईजमेंट, अगर ईजमेंट है, ईजमेंट बेसिकली ईजमेंट क्या होता है, ईजमेंट इज अ राइट टू यूज द लैंड ऑफ एनदर, यानी कि जो हम राइट ऑफ वे यूज करते हैं, हमारी प्रॉपर्टी ए ये है, ए की प्रॉपर्टी ये है और बी की प्रॉपर्टी ये है. अब ए का रास्ता जो है वो बी की प्रॉपर्टी से जाता है तो इसको बोलते हैं हम राइट ऑफ ईजमेंट. तो यहाँ पे राइट ऑफ ईजमेंट हो गया, ये रास्ता जा रहा है, इसका एग्जाम्पल हो गया राइट ऑफ वे, ठीक है. तो राइट ऑफ वे जो है ये राइट ऑफ ईजमेंट है. तो ईजमेंट जो है वो ट्रांसफर नहीं हो सकता अपार्ट फ्रॉम द डोमिनेंट हेरिटेज, ठीक है. सिंपल सा यहाँ पे ये भी मतलब है इसका कि अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर होनी है तो पूरी की पूरी होगी, सिर्फ राइट ऑफ ईजमेंट ट्रांसफर नहीं होगा, यानी सिर्फ राइट ऑफ वे ट्रांसफर नहीं होगा. अगर बी की प्रॉपर्टी ट्रांसफर होनी है तो पूरी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, ए की प्रॉपर्टी ट्रांसफर होनी है तो पूरी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, राइट ऑफ ईजमेंट से ट्रांसफर नहीं होगा. अब हम आते हैं सेक्शन 6 के डी पे जिसमें बात होती है रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट. रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट मतलब एक प्रॉपर्टी है उसमें हमने सिर्फ ए है ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी और उसने बी को राइट दिया है कि वो उसका पर्सनल यूज करे और वो कुछ नहीं कर सकता, तो ये हो गया रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट. तो ये रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट भी ट्रांसफर नहीं कराया जा सकता. अब सेक्शन 6DD देखते हैं मेंटेनेंस. तो अगर हम बात करें राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस तो ये ट्रांसफर नहीं कराई जा सकती है क्योंकि मेंटेनेंस एक पर्सनल राइट है और इसीलिए मेंटेनेंस को ट्रांसफर नहीं करा जा सकता. अब सेक्शन 6E पे हम आते हैं. 6E में जब हम आएंगे तो उसमें है मेयर राइट टू स्यू. यहां पे सिर्फ किसी चीज पे राइट टू स्यू को ट्रांसफर नहीं कराया जा सकता है. अगर क्लेम है किसी प्रॉफिट का, किसी क्लेम है किसी पास्ट मीन प्रॉफिट के डैमेजेस का या फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का या टॉर्ट का, तो सिर्फ उसके राइट टू स्यू करने के लिए हम उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं. तो सिंपल एक मेयर राइट टू स्यू नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं. तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया है बी के साथ में टू बाई गुड्स फ्रॉम बी और ड्यू डेट पे ए जो है वो फेल हो जाता है डिलीवरी करने के लिए, अब बी सेल कर देता है गुड्स को एट अ लॉस ऑफ 1000 और यहाँ पे बी ट्रांसफर करता है राइट टू रिकवर डैमेजेस टू सी. तो सिर्फ डैमेजेस को रिकवर करने का राइट इनवैलिड है. तो ए ने डिलीवरी नहीं करी, बी ने गुड को सेल कर दिया लॉस पे, तो वो सिर्फ डैमेजेस को रिकवर करने का राइट वो ट्रांसफर नहीं कर सकते. तो मेयर राइट टू सू कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड. अब सेक्शन 6F देखते हैं. यहाँ पे है पब्लिक ऑफिस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड. आप किसी ऑफिशियल पोजीशन पे हैं, पब्लिक पोजीशन पे हैं और आपने ऑफिस हेल्ड किया है, आप पब्लिक ड्यूटी को डिस्चार्ज कर रहे हैं, सैलरी आप ले रहे हैं, आप सैलरी अपनी किसी को दे सकते हैं लेकिन आप पब्लिक ऑफिस को किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं. तो केस भी है यहाँ पे अनंत्या वर्सेस सुब्बा राव. यहाँ पे कहा गया है कि ऐसा एग्रीमेंट दो लोगों के बीच में जिससे ये एग्री हुआ है कि वो प्रोपोर्शन ऑफ इनकम एक कंसीडरेशन में देंगे कि दूसरा
अगर वो प्रॉपर्टी का इस तरीके से दे रहे हैं कि दूसरा उसकी प्रॉपर्टी जो सैलरी है उसको प्रोपोर्शन में डिवाइड कर लेगा, तो इस तरीके का ट्रांसफर इनवैलिड है। सेक्शन 6G में हम देखेंगे पेंशंस, तो पेंशन भी सैलरी की तरह होता है। यहाँ पे पेंशन को भी ट्रांसफ़र नहीं करा जा सकता है, पेंशन इज़ अ नॉन ट्रांसफरेबल। 6H में हम देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऐसा कोई इंटरेस्ट ट्रांसफ़र नहीं करेंगे जो कि फ्रॉडुलेंट हो, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी हो, फॉरबिडन बाई लॉ हो, या ऐसा नेचर का हो जो कि प्रोविजन ऑफ लॉ को डिफीट करता हो। इसके अलावा 6I में है कि अनट्रांसफरेबल इंटरेस्ट, कुछ ऐसे इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र नहीं करा जा सकता जो कि टेनेंट के पास हो, सिर्फ उसको ऑक्यूपाई करने के लिए, उनको ट्रांसफ़र नहीं करा जा सकता। तो यहाँ पे है कि टेनेंट हैविंग एन अनट्रांसफरेबल राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी कैन नॉट इन एनी वे ट्रांसफर्ड। तो यहाँ पे केस भी था शांति प्रसाद वर्सेस बख्शी देवी, यहाँ पे कहा गया कि ये एक एक्सेप्शन है जनरल रूल का, तो ये ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। और जितने भी लीज होल्ड और टेनेंसीज हैं वो जनरली ट्रांसफरेबल होते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे एग्रीकल्चरल रेवेन्यू जहाँ से जनरेट हो रहा है दैट आर नॉन ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टीज, उनको ट्रांसफ़र नहीं करा जा सकता। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर, वील मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के आगे के जो भी प्रोविजन्स 6 के बाद में 7 ऑनवर्ड्स प्रोविजन्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे।